तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड बैच की लिस्ट देखने के लिए मिली है ग्लोबल साइड में MIUI 12.5 के स्टेबल अपडेट की, लेकिन यहाँ पर Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7S का नाम देखने के लिए नहीं मिलता है। काफी यूजर के कमेंट्स आ रहे थे कि Redmi Note 7 सीरीज के लिए MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट कब देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो पायलट यूजर के लिए जो अभी रिक्वायरमेंट स्टार्ट की गई थी MIUI 12.5 स्टेबल बेटा अपडेट्स के लिए, तो यहाँ पर उनका नाम क्यों नहीं देखने को मिला फर्स्ट और सेकंड बैच की लिस्ट में, कौन से लिस्ट में देखने के लिए मिलेगा उसके बारे में बताओ, तो उसी के बारे में आपको यहां पर बताऊंगा। तक आप लोग के लिए MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट इंडिया में भी सभी यूजर को मिल सकता है, वीडियो को एंड तक देखते रहे। तो यहां पर Redmi Note 7 सीरीज की बात करूं तो यहां पर किसी भी लिस्ट में इस डिवाइस का नाम देखने के लिए नहीं मिलता। ग्लोबल में MIUI 12.5 का जो स्टेबल लॉन्च इवेंट हुआ था यहाँ पर गाइज फर्स्ट और सेकंड बैच की लिस्ट देखने के लिए मिली थी, बट यहाँ पर MI 10 की सीरीज, MI Note 10 की सीरीज है, Redmi Note 9 की सीरीज देखने को मिलती है, Redmi Note 8 की सीरीज देखने को मिलती है, बट यहाँ पर Redmi Note 7 सीरीज का नाम देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पर फिर कब देखने के लिए मिलेगा, तो गाइज यहाँ पर स्टेबल अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट आपको फर्स्ट और सेकंड बैच की लिस्ट में तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड बैच निकल के आएगा उसमें डेफिनेटली आपकी डिवाइस का नाम देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि गाइज यहाँ पर आप लोग बता दूँ MIUI 12.5 का जो स्टेबल अपडेट है यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड बैच की लिस्ट है उन्हीं को सबसे पहले MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट मिलेगा, उसके बाद फिर गाइज यहाँ पर Redmi Note 7 सीरीज के लिए भी देखने के लिए मिलेगा, अपडेट मिलेगा ज़रूर, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को वेट करना पड़ेगा थर्ड बैच की लिस्ट आने के लिए, जो कि गाइज यहाँ पर लिस्ट कभी भी आ सकती है, आपको किसी भी टाइम ये लिस्ट देखने के लिए मिल सकती है ऑफिशियली। अभी अगर मैं बात करूँ तो जो फर्स्ट और सेकंड बैच की लिस्ट देखने के लिए मिली है यहाँ पर उनका टाइम शेड्यूल हो चुका है, यानी कि अप्रैल से लेकर जून के बीच में इन्हें MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिलेगा, और थर्ड बैच की जैसे लिस्ट आ जाएगी तो उनके लिए MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट कब से देखने के लिए मिल सकता है, तो उनके लिए गाइज यहाँ पर स्टेबल अपडेट अगर मैं बात करूँ तो मई या जून के बाद ही देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट और सेकंड बैच की लिस्ट का शेड्यूल है अप्रैल से लेके मई जून तक, तो यहाँ पर उसके बाद ही Redmi Note 7 सीरीज के लिए MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्टेबल बेटा अपडेट्स की, यानी कि जो पायलट यूजर के लिए जो रिक्वायरमेंट अभी निकल के आई थी जिसमें फर्स्ट और सेकंड बैच की लिस्ट देखने के लिए मिली थी उसमें नाम क्यों नहीं है, तो उसमें कब तक नाम देखने के लिए मिल सकता है न्यू लिस्ट में, तो यहाँ पर फर्स्ट बैच की तो लिस्ट आ चुकी है कौन कौन सिलेक्ट हो चुका है, सेकंड बैच की लिस्ट अभी यहाँ पर उनके लिए अभी भी मतलब फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, 31 मार्च तक लास्ट टाइम है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे डिवाइस देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर Redmi Note 7 सीरीज़ का नाम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर Redmi Note 7 सीरीज़ के लिए MIUI 12.5 के जो स्टेबल बेटा अपडेट्स जो कि पायलट यूज़र को देखने के लिए मिलते हैं, तो उनके लिए भी थर्ड बैच के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, थर्ड बैच की जो लिस्ट निकल के आएगी और आएगी जरूर गाइज यहाँ पर थर्ड बैच की लिस्ट भी पायलट टेस्टिंग यूजर के लिए, जी हाँ गाइज यहाँ पर उसमें Redmi Note 7 सीरीज का नाम आपको देखने के लिए मिल सकता है, जो कि आपको कभी भी देखने के लिए मिलेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। फिलहाल के लिए जो सेकंड बैच की लिस्ट आई है कि जैसे रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर फिर कौन कौन सिलेक्ट हो गया उसकी लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद थर्ड बैच देखने के लिए मिल जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा Redmi Note 7 सीरीज के लिए MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट कब मिलेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना गाइस, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रख लेना, फ्यूचर में जब भी अपडेट्स आएंगे सभी की लिंक्स न्यूज़ आपको हमेशा वहाँ पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, बाय।